और केजरीवाल के तो बड़े दीवाने हैं, हम भी नागपुर से यही सोच के आए कि वाकई में काम होता है क्या। तो यहाँ के जो स्थानिक है, जो ऑटो ड्राइवर्स है, यहाँ के कुछ लोग है, वो उनका कहना है कि केजरीवाल ही काम कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और पढ़ाई पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों कि जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है वो काम जरूर करता है। तो गैस यहाँ पे काफ़ी म्यूजिशियंस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक गिटारिस्ट बैठे हुए दिख रहे हैं अपने को, और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ सिंगिंग चल रही है। तो जितनी बड़ी सिटी रही उतना टैलेंट हमें दिखता है सिटीज में। ऐसा नहीं कि बड़े सिटीज में टैलेंट होते हैं, छोटे छोटे गांव में भी होते हैं, बट सिटी में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गाने गा रहे हैं, कोई अनजान लोग आके एक मिक से मिल रहे, तो ऐसा कुछ एटमोसफियर इस दिल्ली में हमें दिख रहा है। तो भाई लोग, उस गार्डन के बाद हम जा रहे हैं अभी आगरा के लिए। तो आगरा के लिए बस ट्रेवल्स कहाँ मिलेगी कुछ पता नहीं, बट हम निकल गए क्योंकि आज रात आगरा जाना जरूरी है अपने को। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है मौसम भवन, मतलब यहाँ से पता चलता है मौसम अपने देश में कैसा है। तो अभी अंधेरा तो हो गया गाइस, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो अभी तक हम ढूंढ रहे हैं आगरा के लिए बस कहाँ से मिलेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भैया वो कहाँ देर पीछे बहुत उड़ उड़ के जाएंगे। चलते चलते एक ट्रैवल्स दिख गई हमने, चलते चलते ट्रैवल्स को बोला आगरा जा रहे हैं क्या, वो रुक गए और फाइनली मिल गई ये ट्रैवल्स जाने के लिए यहाँ से अपने को भी। तो भाई लोग 8:30 बजे निकले थे अपन, 10:30 बज रहे और इन्होंने एक ढाबे पे रुका है और इस ढाबे पे 40 मिनट रुकने वाली है बस यार। अभी आगरा 40 मिनट का लंबा सफर है और वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो आगरा जाने का है अपने को। यस सर, अशोक ट्रैवल्स की यूट्यूब पे अशोक ट्रैवल जा रही है ना, आगरा जा रही है। तो ऐसा माहौल चल रहा है गाइस यार, रात में पहुंचेंगे अपन शायद 12:30 बजेंगे अपने ना। इधर है हमारा सर, हम इसको ढूंढ रहे हैं। ढाबे पे समोसे है, चाय कचौरी एंड ऑल दैट स्टफ है भाई ये ढाबे पे, छोले भटूरे। सो जो बंदा जा रहा है ना अपना, वो आज से कचौरी समोसे जो दिखाया मैंने आपको ले लिया, मैं खाता हूँ बोले, अपने कुछ नहीं होता बोले, तुम विचार करते हो मैंने तुम्हें मनु तुम्हारे को ऐसा ऐसा होता ऐसा ऐसा होता। एक घास खाया मतलब एक बाइट खाया जाके फेंक दिया, ये देखो फेंक दिया। तो भाई बाहर जब भी ट्रैवल करते हो ना तो प्रिपेयर टू ईट फ्रूट्स, उसमें माजे कुछ ना कुछ खाता बोले मैं। तो चलोगे अपनी गाड़ी भाई, 40 मिनट हो गए पूरे। वो आपने फोन पे बात किए थे ना, हाँ वैसे जगह पे उतार दो भैया नहीं तो तकलीफ हो जाएंगे मन यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइस वी आर हियर इन आगरा बाईपास। ब्रिज हिल रहे, गुड नाइट, थैंक यू। देखो आपको दिख रहा होगा कि हम कहाँ पे है, लखनऊ जा रहा सीधा, वहाँ पे ताजमहल भी जा रहा है, ग्वालियर। कैसा भाई हाईवे क्लास है ना, और रात का माहौल भी क्लास लग रहा है। हाँ घर पे छोड़ दूंगा, आपने कह दी घर पे छोड़ दूंगा, घर पे छोड़ देंगे बोलते हुए। सो भाई लोग रात के 12:30 बज रहे हैं और हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आगरा तो पहुंच गए बट डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे अभी, और काफी मजा आ रहा है। अपने भाई लोग रहते ना अपने साथ तो मजा ही कुछ और रहता।
वी आर एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ दिस ऑटो सवारी। यस यस एंड इनकी झिकझिक, हम तो इतने ही लेंगे भैया, हमको नींद जमेगा भैया। और इसके पहले वाले ऑटो ले वो क्या बोल रहे थे, अरे हैंगे 500 रुपए लेंगे बोले, 500 रुपए लेंगे हैंगे। तो काफी अच्छा ट्रैवलिंग चल रहा है गाइस, ये भी एक्सपीरियंस अलग रहता है, बहुत मजा आ रही है, भयंकर मजा आ रही है। अंकल आप रात भर चला सके ऑटो? जी रात भर चलेंगे अभी, है ना, दिन में भी नहीं, दिन में नहीं, नाइट ड्यूटी करते हैं। धन्यवाद इशक भाई, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बहुत बढ़िया इशक भाई, थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए आगरा, सो आई थिंक आई हैव टू एंड माई व्लॉग हियर, मिलते जल्दी, पता नहीं कहाँ बट मिलेंगे जरूर, बाय बाय। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं आगरा में रुका हूँ यहाँ पे हमारे भाई के घर में, हिज नेम इज शिवा जॉन। हेलो ब्रदर्स।